हाँ जी किसान साथियों, मेरे फार्मिंग किसान यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में लॉन्च हुआ जो नया मॉडल आया है सोलिस की तरफ से 4415 ट्रैक्टर के बारे में। इसकी पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है और किसान भाइयों इसके फ्रंट से शुरुआत करेंगे तो क्वाड प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिलने वाला है सिंगल पीस बोनट के साथ। और जो इसके लुक की हम बात करें, इसके डिज़ाइन की बात करें तो एरोडायनेमिक शेप के साथ ये ट्रैक्टर आपको मिलने वाला है। वहीं पर जो ग्रिल के ऊपर है सोलिस की जो क्रोमिंग के साथ जो ब्रांडिंग दी गई है वो आपको देखने को मिल जाएगी और काफ़ी बड़ी जो इसकी ग्रिल है वो आपको देखने को मिल जाएगी। साइड में भी और ऊपर की तरफ भी जो काफ़ी बड़ी ग्रिलें हैं वो मिलने वाली है। इसके कलर कॉम्बिनेशन की हम बात करें तो रेड और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में ये ट्रैक्टर आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं पर नीचे की तरफ कंपनी फिटेड बम्फर मिल जाएगा और बोनट को ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको स्विच मिल जाएगी। और किसान भाइयों फ्रंट एक्सल की हम बात करते हैं तो एडजस्टेबल टाइप का जो हैवी ड्यूटी वाला फ्रंट एक्सल है वो आपको देखने को मिलने वाला है और इसको आप काम के अकॉर्डिंग आसानी के साथ एडजस्ट कर पाएंगे। फ्रंट चेतीस की हम बात करें तो काफ़ी हैवी ड्यूटी चेतीस ट्रैक्टर के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। और वहीं साइड प्रोफाइल की हम बात करते हैं सोलिस की जो ब्रांडिंग दी गई है 4415 की क्रोमिंग के ऊपर ही इसकी ब्रांडिंग मिलने वाली है और टैंक के ऊपर इस सीरीज की जो कि स्टिकरिंग है वो लगाई गई है। 5 साल की वारंटी वाला स्टिकर वहीं फ्यूल टैंक पर मिलने वाला है इन कोलैबोरेशन विद यनमार जापान की जो बैजिंग है वो यहीं बोनट पर नीचे की साइड में देखने को। तो किसान साथियों आज हम इस ट्रैक्टर की कुछ ऐसी सच्चाई बताएंगे जो आज तक किसी ने भी नहीं बताई इस ट्रैक्टर के बारे में। तो इसका इंजन जो रियल में है इंटरनेशनल ट्रैक्टर लिमिटेड होशियारपुर में बनाया गया है ये ट्रैक्टर और यही इंजन आपको सोनालिका के ट्रैक्टरों में भी देखने को मिल जाएगा। तो किसान भाइयों इसकी सीसी की हम बात करें 3054 सीसी पर ये 44 हॉर्स पावर की अपनी ताकत प्रोड्यूस कर देता है पूरे 1800 इंजनरेटेड RPM पर। इसकी सबसे आपको 272 ग्राम प्रति किलोवाट की मिल जाएगी। और किसान भाइयों इस ट्रैक्टर की जो रियल PTO पावर है वो 33.1 किलोवाट की है और इसके जो झूठ परोसे जाते हैं वो 41 HP की काफ़ी वेबसाइटों पे मिलेगी लेकिन इसकी हकीकत में कंपनी जो है बताती है कि 37.8 HP की जो PTO HP है वो आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिलेगी। कहीं कहीं पर इसकी PTO के बारे में बड़ा वहम है, 41 HP की भी PTO देखने को मिल जाती है। और किसान भाइयों इसके बोर और स्ट्रोक आपको 105 से 118 का स्ट्रोक मिल जाएगा। बैकअप टार्क की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 15.4% का बैकअप टार्क मिलने वाला है जो कि ट्रैक्टर के HP के हिसाब से बहुत ही कम होने वाला है। तो किसान भाइयों आज तक आपको इन बातों के बारे में शायद ही किसी ने बताया हो और ये जो मैं बात कर रहा हूँ पूरे तथ्य के साथ बात कर रहा हूँ, बुधनी की जो टेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं गूगल पर जा कर के और काफ़ी इसके रिपोर्ट्स मिल जाने वाले हैं। और किसान भाइयों आगे भी वीडियो आप लोग पूरी देख करके जाइएगा और अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा वीडियो जारी रखते हुए। और किसान भाइयों इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन आज हमको आपको प्रोवाइड करवा देने वाला हूँ। किसान भाइयों तो 36.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये रोड के ऊपर दौड़ने वाला है। और किसान भाइयों इस ट्रैक्टर के अंदर गियर बॉक्स की हम बात करते हैं, कॉन्स्टेंट मेस का गियर बॉक्स 10+2 का ऑप्शन इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिल जाएगा जो कि 10 गियर में आपको आगे की तरफ जाएगा और 2 रिवर्स गियर इस ट्रैक्टर के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। बैकएंड की हम बात करते हैं तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको भारी भरकम 1800 किलोग्राम की जो लिफ्टिंग कैपेसिटी की जो क्षमता वाली लिफ्ट है कैटेगरी 2 वाली ADDC टाइप की हाइड्रोलिक लगाई गई है। ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल के साथ ये लिफ्ट आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिलने वाली है। और किसान भाइयों इसके कुल वजन की बात करते हैं तो ये ट्रैक्टर आपको 2160 किलोग्राम के कुल वजन के साथ व्हील बेस 2080 mm और लेंथ इस ट्रैक्टर के अंदर 3620 mm की मिलने वाली है। और इसके चौड़ाई की हम बात करें तो 1800 mm की आपको इसकी चौड़ाई मिलने वाली है। PTO HP आपको इस ट्रैक्टर के अंदर 37.2
80 हार्स पावर की P2HP आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिल जाएगी। और किसान भाइयों, इसके लिंकेज की हम बात करते हैं तो आपको काफी हैवी ड्यूटी इस ट्रैक्टर के अंदर लिंकेज देखने को मिल जाएंगे। और आप लोग वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे, इसके लिंकेज काफी हैवी ड्यूटी मिलने वाली है। और जो स्टेबिलाइजर है वो बॉक्स टाइप का ही इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिल जाएगा। प्लेनेटरी ड्राइव रिडक्शन जो स्टेट टाइप के रेयर एक्सल है वो देखने को मिल जाएंगे। और पीछे की तरफ अगर हम बात करें तो वहीं सीट की जस्ट पीछे ही बोटल होल्डर आपको मिल जाएगा, रिफ्लेक्टर लाइट देखने को मिल जाएगी। और जो QRC कपलर या ट्रिपिंग ट्राली को ऑपरेट करने के लिए लीवर लगाया जाता है, यहीं पीछे की तरफ जस्ट सीट के पीछे ही वो लीवर आपको देखने को मिल जाएगा। वर्क लैम्प काफ़ी अट्रैक्टिव डिजाइन की गई है, जिसपे क्रोमिंग का भी इस्तेमाल किया गया है, इसके लुक को एक अलग सा लुक प्रदान कर देने वाला है। इसके फेंडरों की बात करें तो काफ़ी हैवी ड्यूटी जो फेंडर हैं और काफ़ी अच्छे गैप के साथ इसके अंदर जो फेंडर हैं वो देखने को मिलने वाला है। और किसान भाइयों, 6 स्प्लाइन की PTO आपको मिल जाएगी, रिवर्स PTO का ऑप्शन इस ट्रैक्टर के अंदर आपको, और 540 RPM वाली जो PTO है वो आपको इस ट्रैक्टर के अंतर्गत देखने को मिल जाएगी। बात करें इसके मीटर कंसोल की, चलते हैं इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर और बात करते हैं सबसे पहले इसके सीटिंग पोजीशन की। तो इसके सीट के अंदर जो आपको सीट मिलेगी वो सुपर डीलक्स वाली इस ट्रैक्टर के अंदर सीट मिल जाएगी, जो कि आप हाइट और वेट के अकॉर्डिंग इसको आगे पीछे आसानी के साथ एडजस्ट कर पाएंगे। बात करते हैं इसके प्लेटफॉर्म की किसान भाइयों, तो इस ट्रैक्टर के अंदर फ्लैट प्लेटफॉर्म थोड़ा सा बंप आपको देखने को मिलेगा, काफी स्पेसियस प्लेटफॉर्म आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिल जाएगा। वहीं पर टंकी के ऊपर आपको एक हैंड होल्डर मिल जाएगा। टैंक फ्यूल कैपेसिटी की बात करते हैं, डीजल कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 55 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ ये ट्रैक्टर आपको कंपनी प्रोवाइड करवा देती है। सिंगल फुट स्टेप के साथ और हैंड होल्डर के साथ ये ट्रैक्टर आपको देखने को मिल जाएगा। आप चढ़ते हैं इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर और इसके स्पेस की हम बात करें तो काफ़ी अच्छा खासा स्पेस इस ट्रैक्टर के अंतर्गत आपको मिलने वाला है। और जो लीवर मिलेंगे आपको रीच में ही देखने को मिल जाएंगे। और इसके ऊपर बैठने के बाद इसके व्यू की हम बात करें तो एक अलग सा प्रीमियम व्यू देखने को आपको मिल सकता है। और इसके डैशबोर्ड की हम बात करते हैं तो फाइबर और क्रोमिंग का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिलने वाला है। और किसान भाइयों, डैशबोर्ड की अगर हम बात करें, इसके लुक की बात करें तो क्रोम का काफ़ी अच्छा फिनिश आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिल जाएगा डैशबोर्ड के ऊपर, जो इसके लुक को एक आकर्षक लुक प्रदान कर देने वाला है। और किसान भाइयों, एक्सीलरेटर के जो लीवर हैं काफ़ी अच्छी तरीके से, जैसे कारों के अंदर जो फीचर्स लगाए जाते हैं, वही इस ट्रैक्टर के डैशबोर्ड को देखने के बाद ऐसा फील होता है कि जैसे कार के ऊपर हम बैठे हुए हैं। और किसान भाइयों, PCDC लीवर काफ़ी रीच में और काफ़ी स्मूथली ऑपरेट होने वाला जो PCDC लीवर है वो आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाएगा। आपको 5 गियर की स्पीड इस साइड से मिलने वाली है और लो हाई की जो रिवर्स की जो स्पीड है 2 गियर इस साइड से आपको मिलने वाला है। इसका मतलब ये हो गया कि लो में 5 गियर और हाई में 5 गियर के स्पीड, यानी कि 10 आगे की तरफ और 2 गियर आपको पीछे की तरफ मिल जाने वाला है। इसके क्लच की हम बात करते हैं, डोल टाइप का जो क्लच है इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिल जाएगा। और किसान भाइयों, प्लेटफॉर्म काफ़ी स्मूथनेस, और इसके डैशबोर्ड की हम बात करें तो इसका डैशबोर्ड आपको क्रोमिंग के साथ जो इसकी लुक है, काफ़ी बड़ा डैशबोर्ड जो आधुनिक युग वाला जो डैशबोर्ड है इस ट्रैक्टर के अंतर्गत आपको देखने को मिलने वाला है। अब किसान भाइयों, बात करते हैं इसके मीटर के बारे में, इसके डैशबोर्ड के बारे में। इसके अंदर जो मीटर लगाया गया है, फुली डिजिटल टाइप वाला जो मीटर है वो आपको मिलने वाला है। जो RPM मीटर है, आवर मीटर है, डीजल मीटर है और जो टेम्परेचर मीटर है, सारे ही मीटर इस ट्रैक्टर के अंदर आपको डिजिटली मिलने वाले हैं। और काफ़ी सारी लाइटों के लिए ब्लिंकेशन लाइटें इस ट्रैक्टर के अंदर लगाई गई हैं, जैसे चोकिंग सेंसर के लिए यहीं पर आपको अगर कोई दिक्कत आती है PTO ऑपरेट करते हैं या हैंड ब्रेक लगी हुई है तो यहीं पर आपको वो लाइटें आप शो कर देने वाली हैं। और किसान भाइयों, इसके अंदर खास बात की अगर हम बात करें, इसके ब्रेकों की बात करें तो आयल इमर्स मल्टी डिस्क ब्रेक जो मिलने वाली है वो ट्रैक्टर के अंदर आपको मिल जाएगी। और वहीं पर इसके अंदर जो मल्टी डिस्क
आउटबोर्ड की जो ब्रेकें हैं, एक अलग से ब्रेक और नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है इस ट्रैक्टर के अंदर, वो देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ किसान साथियों, अब इसके टायरों की हम बात करते हैं। इसके डैशबोर्ड की हमने बात की और काफ़ी अच्छा स्पेस इस ट्रैक्टर के अंदर, खुला डुला स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा। और किसान भाइयों, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, आपको शॉर्ट फॉर्म में हम बताते चले। तो किसान भाइयों, इसका बोनट भी हम खुलवा के आपको दिखवाने वाले हैं। इसके अंदर जो इंजन लगाया गया है, इंटरनेशनल का इंजन लगाया गया है। और इसके रेस पैंडल की बात करें, जो पाँव से ऑपरेट होती है, काफ़ी जो जैसे कार के अंदर जो पैंडल लगाई जाती हैं, वो आपको इस ट्रैक्टर के अंदर जो पैनलें लगी हैं वो देखने को मिल जाती है। सिंगल पीस बोनट के साथ जो एरोडायनेमिक शेप वाला जो बोनट है, काफ़ी डबल जो गैस स्टर्ड है इसको ऑपरेट करने के लिए वो लगाए गए हैं, जिससे कि आप इसको आसानी के साथ खोल सकते हैं और आसानी के साथ बंद कर सकते हैं। इसके अंदर ड्राई टाइप डुअल एलिमेंट वाला विद चोकिंग सेंसर के साथ जो एयर फिल्टर है वो मिलेगा। और वहीं पर जो ओवरफ्लो विद रिजर्वायर कूलेंट का जो कंटेनर है, वो यहीं जस्ट रेडिएटर के आसपास ही आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं इसके इंजन की, तो ब्लैक कलर का इंजन, काफ़ी हैवी ड्यूटी इंजन इस ट्रैक्टर के अंदर इंस्टॉल किया है कंपनी ने। और जो तीन सिलेंडर का इंजन बॉस का है, इनलाइन पंप, वो आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिलता है। फ्रंट में ही आपको 12 वोल्ट की एमरॉन वाली जो बैटरी है वो मिलने वाली है। और रेडिएटर पर कूड़ा कचरा ना जाए, जिसको कवर करने के लिए एक एक्स्ट्रा जाली कंपनी की तरफ से आपको देखने को मिलने वाली है। कॉम्पैक्ट साइज की बैटरी जो कि वेट का भी काम कर देती है, वो फ्रंट में ही आपको मिल जाएगी। 12 वोल्ट का अल्टरनेटर वो मिल जाएगा। और डबल टेंडम पंप इस ट्रैक्टर के अंदर लगाया गया है। और काफ़ी बड़ी जो है हाइड्रोलिक जो फिल्टर है वो आपको मिल जाएगा, मोबिल फिल्टर वहीं साइड पे मिल जाएगा। सेल्फ मोटर कॉम्पैक्ट साइज का आपको मिल जाएगा। और किसान भाइयों, मैग्नेट टाइप का जो फिल्टर है, ये इस ट्रैक्टर के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। मान लीजिए आपके हाइड्रोलिक में कोई भी कूड़ा कचरा आता है, तो सबसे पहले यहीं पर वो फिल्टर हो करके तब वो ऑयल, ट्रांसमिशन ऑयल हाइड्रोलिक के अंदर जाएगा, जिससे कि इसके लाइफ जो है वो ज़्यादा होने वाली है। और किसान भाइयों, हैंड ब्रेक की हम बात करें, तो काफ़ी अट्रैक्टिव डिजाइन के साथ हैंड ब्रेक यहीं सीट के जस्ट नीचे ही मिलने वाली है। और इस ट्रैक्टर के अंदर जो टायर साइज है, फ्रंट टायर आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिलने वाला है जेके सोना का 616 वाला। और रेयर टायर की हम बात करें तो 13/6/28 का जेके टायर जो इस ट्रैक्टर के अंदर लगाया गया है, 13/6/28 वाला रेयर टायर आपको देखने को मिल जाएगा। और सुनवाते हैं किसान भाइयों इसकी आवाज़, और स्टार्ट करके भी हम आपको दिखवाएंगे, इसकी आवाज़ के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो कहाँ पे मिल जाएगा इसके बारे में भी आपको हम बताने वाले हैं। तो किसान भाइयों, ये ट्रैक्टर अब हो चुका है स्टार्ट, इसके स्टार्टिंग की और इसकी आवाज़ की हम बात करते हैं। इसके क्विक रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें, तो थोड़ा सा रेस कीजिए भाई, काफ़ी बढ़िया रेस और काफ़ी अच्छी आवाज़ इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलने वाली है। और किसान भाइयों, अगर वीडियो हमारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करके ऑन ज़रूर कर दीजिएगा। एक तरीके की जो स्मूथनेस इस इंजन के अंदर आपको मिलने वाली, आप लोग सुन सकते हैं इसकी आवाज़, एक्स्ट्रा नॉइज नहीं मिलने वाला है, एक्स्ट्रा घड़घड़ाहट नहीं मिलने वाली है, एकदम बनी हुई आवाज़ इस ट्रैक्टर के अंदर मिलने वाली है। और इसके पावर स्टेयरिंग के लिए एक सेपरेट कंटेनर लगाया गया है वहीं डीजल टैंक के पास, जिसको आप आसानी के साथ मेंटेन कर सकते हैं। इसमें एक्स्ट्रा ऑयल गिरने का, एक्स्ट्रा ऑयल चेंज करने का कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। और इसके बोनट को आप आसानी के साथ रिलीज के साथ ऑपरेट कर सकते हैं, खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। और कॉम्बिनेशन स्विचें जो लगाई गई हैं किसान साथियों, उसको जो कारों में उपयोग होती हैं, एक ही स्विच में आपको हेडलाइट, हॉर्न और इंडिकेटर की सारी लाइटें एक ही जो स्विच के द्वारा ऑपरेट कर पाएंगे। तो यही थी किसान भाइयों आज की वीडियो हमारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे किसी ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जय जवान, जय किसान साथियों।